Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से जाने वाले हैं भूतों को पकड़ने के लिए. Yes guys, हम लोग खेलने वाले हैं Observation Duty. इस गेम में हमें अलग अलग हॉरर लोकेशंस पे जाना होता है और सीसीटीवी कैमरास के थ्रू हमें भूतों को ढूंढना होता है और सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस करनी होती है, जैसे कि लाइट का अपने आप बंद चालू होना या फिर किसी सामान का इधर उधर हिलना. ये सारी मूवमेंट्स को आज हमें नोटिस करना है और भूतों को पकड़ना है. लास्ट टाइम हमने एक ट्रेन के अंदर भूत ढूंढा था, हॉस्पिटल में भूत ढूंढा था और साथ एक होटल में भी भूत ढूंढा था. तो आज हम लोग जाएंगे न्यू लोकेशंस पे. ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं जो कि जंगलों के बीच में है. एक ये प्यारा सा घर है जो कि चारों तरफ से जंगलों से घेरा हुआ है. बगल से मुझे एक रिवर का साउंड आ रहा है, बट हाँ यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल नहीं दिख रहा. दूसरे सीसीटीवी कैमरा पे चलते हैं. ये शायद से अंदर का व्यू है. घर के अंदर भी एकदम मस्त शांति है, बट किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही है. इस गेम में एक अच्छा कुछ गिर नहीं रहा, बगल में यहाँ पर आग जल रही है तो शायद से उसके जलने का साउंड है. बट हाँ हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है, प्लेट का, पीछे चेयर का, ये हर एक चीज का ध्यान रखना है. अगर कोई भी मूव होती है या फिर इधर उधर हल्का भी कुछ भी होता है तो समझ लो यहाँ पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है. और जो कि मैं कह रहा था पीछे रिवर है, तो वहां पे पीछे रिवर का साउंड है. बट यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा भूतिया. यहाँ पर इनका एक गैराज तो नहीं है, शायद से इनका स्टोरेज रूम है. इसमें भी कुछ नहीं पड़ा हुआ. यहाँ पे टॉयलेट है, इधर भी कुछ नहीं है. पर हाँ सारी चीजों को एक एक करके देखते हुए चलते हैं. भाई वैसे ये दिन का टाइम हो रहा है, दिन के टाइम पे भी ओ वेट, एक सेकंड, वहां पे से पानी गिरा. घर में कोई है नहीं, पानी गिरने का कोई सेंस नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है. तो इसको मैं मार्क करूंगा. लेट्स गो. हमने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करी है. पानी कैसे गिरा भाई? बेमतलब इतना समझ लो कि भूत यहाँ पर है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही, तो नलके से पानी गिरा क्यों? आई मीन नलका नहीं था, वो नाली थी. शायद भूत अभी वॉशरूम गया होगा तो उसने फ्लश कर दिया. बट हाँ इसके अलावा तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा. थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आराम से ढूंढते हैं. काफी सारी चीजें हैं जो कि मूव हो सकती है. यहाँ पे दो चेयर्स पड़ी हैं. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो कुल्हाड़ी है पहले यहाँ पे नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है. हो सकता है मैं गलत हूँ. वेट, ओके, वहम हो सकता है, वहम है. ओके नेक्स्ट. गाड़ी एज इट इज वैसी खड़ी है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा. नेक्स्ट कैमरा अंदर की साइड. भाई इस जगह पे सामान इतना ज्यादा है ना कि अगर भूत कुछ इधर उधर करता भी है तो मुझे नोटिस नहीं होगा जल्दी. पर फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रख के चल रहा हूँ. ये वाला डोर बंद है. इधर टेबल पे एक प्लेट एंड कुछ तो हनी नट्स पड़े हैं. आउटडोर साइड पे भी कुछ नहीं है, इधर भी सब नॉर्मल है. मुझे ऐसा लग रहा है कि भूत आया था और शायद थोड़ी देर बाद चला गया क्या. नहीं 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 भाई, इस गेम में भूत इतने शरीफ नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं और कभी कभी तो भाई मुंह के सामने ही आ जाते हैं कैमरा के. मैं एक एक करके अलग अलग कैमरास चेक कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर नहीं आई है. सब कुछ जो है एकदम नॉर्मल है. बट मैं सही बताऊँ, कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी आंखों के आगे जो कि हमें नजर नहीं आ रहा. मैं सही बता रहा हूँ, इस गेम में ऐसे होता है. सब कुछ नॉर्मल क्यों लग रहा है यार? पॉसिबल नहीं है इस गेम में ऐसा. ये लास्ट टाइम तो मैंने भूतों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, बट पता नहीं क्यों अभी मुझे भूत की कोई भी मूवमेंट नोटिस नहीं हो रही है. हाँ मुझे अच्छे से मालूम है कि वो जो घोस्ट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है. यार वैसे तो मैं घोस्ट पकड़ने में थोड़ा एक्सपर्ट हो गया था, बट पता नहीं क्यों आज मुझे कोई भी पैरानॉर्मल मूवमेंट नहीं नजर आ रही है. एक सेकेंड, अटेंशन आया कोई तो. वी आर रिसीविंग ग्रीटिंग्स ऑफ मल्टीपल एक्टिव. भाई बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है बट मुझे नहीं दिख रही. गाइस तुम लोग को नोटिस हो रहा है कुछ? देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, इधर भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है. यार क्या गड़बड़ हुई है मुझे जो कि नहीं दिख रही? सब कुछ तो नॉर्मल है यार. वेट, नोटिस हुआ कुछ यहाँ पे पहले? ये यहाँ पे मैं अच्छे से श्योर हुआ, इस टेबल पे प्लेट यहाँ पे नहीं थी. भाई साहब भूत है, फटो बहुत स्लोली स्लोली अपने आप को शो कर रहा है. तो ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि एक्टिविटीज हो रही है. दो हमने नोटिस करी है बस, हमें बहुत ज्यादा चीजें पकड़नी है भूत. ओ वेट 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 वेट, ये बुक किस चेयर पे थी? इस लाउंजर पे शायद बुक नहीं थी जितना मुझे याद है. ओके गलत गलत गलत, बुक पहले से थी वहाँ. इस एरिया में तो यार इस एरिया में कुछ भी नहीं हो रहा है. ये शू था क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार भूत है भी या फिर नहीं. थोड़ी देर के लिए उसकी मूवमेंट एक्टिविटीज दिखती है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है. पता नहीं वो घूम कहाँ पे रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा. पहले उसने बाहर टेबल रखी. वेट, पहले उसने बाहर टेबल रखी और अभी अंदर ये जो टेबल है उसके ऊपर चेयर उल्टी करके रख दी. देख रहे हो, पहले यहाँ पे टेबल एकदम खाली था, चेयर सीधी पड़ी थी. तो ये है तीसरी एक्टिविटी जो कि मैंने नोटिस करी. अभी मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ क्योंकि भूत बहुत ज्यादा हरकतें करने लग गया, तो उसकी सारी हरकतें हमें दिख रही है. मुझे ऐसा फील है कि वो जल्दी अभी मेरे सामने भी आने वाला है मुझे डराने के लिए, बट मैं नहीं डरता भाई. यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है, इधर भी बाहर भी सब कुछ नॉर्मल ही है. तो भाई टाइम ओवर हो गया और हम लोग सिर्फ तीन ही एनोमलीज को नोटिस कर पाए. ये जो भूत है बहुत ही ज्यादा डेंजर था भाई, पूरे टाइम छुपा ही रहा हमसे. ओके गाइस, तो लास्ट टाइम हम लोग ज्यादा भूत नहीं पकड़ पाए थे, बट अभी हम लोग आ चुके हैं एक पूल में, शायद से स्विमिंग पूल है.
और यहाँ पे भी कोई ना कोई भूत आ गया है। तो ये है स्विमिंग पूल का एंट्रेंस एरिया जहाँ पे लोग अपने स्लीपर्स वगैरह उतारते हैं, हाथ वगैरह धो के अंदर जाते हैं। अब ध्यान से ना एक एक चीज नोटिस करके चलते हैं, लास्ट टाइम जो गलती करी इस बार नहीं होनी चाहिए। गेट ओपन हो रखा है, लेफ्ट में कोई भी नल चालू नहीं है, राइट साइड पे थोड़ी बहुत स्लीपर्स पड़ी है और एक इधर डस्टबिन का बैग पड़ा हुआ है, बस दैट्स इट। अब चलते हैं दूसरे कैमरा पे। दूसरे कैमरा में ये है चेंजिंग रूम और पीछे दो पोस्टर लगे हैं, लेफ्ट में एक लड़के का, राइट में एक लड़की का है, और थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है रैंडम, और इधर भी इस पे कुछ सामान रखा हुआ है, बाकी सब एकदम खाली है, सब कुछ नॉर्मल है। थर्ड कैंप पे यहाँ पे सारे नल बंद हैं, चार सारे बंद हो रखे हैं, लेफ्ट वाले टेबल पे थोड़ा बहुत सामान रखा है, इसके ऊपर भी खाली है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके हम लोग तो बाहर ही आ गए। टाइम यहाँ पर करेक्ट चल रहा है या क्या चल रहा है, बट जो भी है ये स्टॉप वॉच है बाय द वे, ये टाइम नहीं है। तो स्टॉप वॉच 50-55 के बीच में है और दूसरा टाका 10 पे है, बाकी पीछे तो भाई बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मैं किस किस को नोटिस करूंगा। तीन बॉल पड़ी है, टेबल पड़ा है और थोड़ा बहुत पीछे सामान है। नेक्स्ट कैमरा ये है स्विमिंग पूल, इधर आ गया है भूत। अब हमें ढूंढना है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। देखो राइट साइड में दरवाजा खुला हुआ है और पूल के अंदर कोई भी नहीं है, आवाज आया जैसे कोई पूल के अंदर कूदा। भूत स्विमिंग पूल में क्या करने आया, स्विमिंग करनी है उसे, क्या ठीक है। सारी लाइट्स चालू है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं, पूरा खाली। नेक्स्ट कैमरा उतरी, पूल के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है भाई, लेट्स गो। यहाँ पे तो खैर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कैम, ये कौन सा रूम है भाई, स्टीम रूम है गए, हाँ ये स्टीम रूम है, सोना ऐसे कुछ कहते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत फॉग है ना, मतलब स्मोक है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा, बट हाँ इतना तो है कि इधर कुछ भी पड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत सामान है बस। नेक्स्ट कैम, अभी देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक तो, कि जिससे हम लोग नोटिस करें भूत आया या फिर नहीं, अभी एंट्री गेट पे कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इधर भी सब कुछ एकदम पहले जैसा नॉर्मल है। नेक्स्ट कैम, सब कुछ इधर भी पहले जैसा नॉर्मल है। नेक्स्ट कैमरा, जो स्टॉप वॉच है एकदम करेक्ट है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट कैमरा, स्विमिंग पूल वाला पार्ट भी सब कुछ नॉर्मल है, पूल के अंदर भी सब नॉर्मल है, अभी भूत कहीं पर भी नहीं आया, मतलब अभी हम श्योर नहीं है यहाँ पर भूत है या फिर नहीं, बट है, क्योंकि अगर कहीं से कंप्लेंट आ रही है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तो हमेशा वहाँ पे भूत मिलता है इस गेम में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक एक करके सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं और भूत को ढूंढ के निकालते हैं। देखो दिमाग लगाना है, हर एक चीज पे फोकस। अरे बाप रे, ये देखो पीछे भाई कहां से झांक रहा है वो, मैं बोलने वाला था हर एक चीज पे फोकस करना भाई, उसकी आई कॉन्टेक्ट हो गया उससे सीधा, अचानक से एकदम गूज़बम्प आ गया भाई, पकड़ लिया भाई हमने, ठीक है। तो इसी टाइप से वो कहीं ना कहीं हर जगह से हमें देख रहा होगा, झांक रहा होगा, या फिर अपने कोई ना कोई सुराग छोड़ेगा हमारे लिए, जो कि हमें ढूंढने है, उसको पकड़ना है। हम लोग जितनी ज्यादा उसकी एक्टिविटीज नोटिस करेंगे हमें उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलने हैं इस गेम में, मतलब अगर कहीं पर भूत है तो बहुत सारी हरकतें हो होती है एक टाइम पे, जो कि हमें बस नोटिस करनी है। पूल के अंदर ये था क्या, यहाँ पे क्या कॉइन पड़े हुए हैं, जो भी है मेरे हिसाब से पहले नहीं था, मार्क करके देखते हैं, ओके शायद से पहले भी था। नेक्स्ट, अरे भाई स्टीम रूम में इतना फॉग, इतना स्मोक कैसे आ गया, एक सेकंड, steam/smoke सोना में भाई, यहाँ पे इतना स्मोक पहले नहीं था, अभी आया अचानक से भाई। मुझे लगता है कि भूत आराम से दीवार टाप के पूल के अंदर एंटर हुआ है और पूल में जाने से पहले वो उधर गया है। ओके ठीक है, दो बारी हमने उसे पकड़ लिया है, और भी थोड़ा बहुत इधर उधर झांको भाई, पक्का वो कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ हरकतें वो करते रहता है। यहाँ पे तो एटलीस्ट सब कुछ नॉर्मल है एंट्रेंस पे, ये वाले एरिया में भी सब कुछ नॉर्मल है, ऊपर विंडो भी देखनी पड़ेगी, क्या पता कहीं से झांक रहा हो वापस या फिर कहीं खड़ा हो रखा हो। नेक्स्ट रूम में चलते हैं, इधर भी सब कुछ नॉर्मल है। नेक्स्ट, इधर भी सब कुछ नॉर्मल है, बाकी ये है पूल एरिया यहाँ पे। ओके भाई, एक तो ये जो बेल बजती है ना थोड़ी हॉरर सी है। पूल के अंदर तो कुछ भी, मतलब पूल पे तो कुछ नहीं है, पूल के अंदर तो नहीं है, स्विमिंग नहीं कर रहा है वो। एंट्रेंस पे कुछ मूवमेंट नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार वो अभी भाग तो नहीं गया डर के, क्योंकि अभी कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। दो बारी मैंने उसे पकड़ लिया, उसकी दोनों हरकतें मैंने नोटिस कर ली है, उसके बाद से अभी तक उसने कोई भी मूवमेंट नहीं करी है, या फिर करी है तो हमें मालूम नहीं पड़ा है। ओके चलो ठीक है, एकदम ध्यान से देखते हुए चलते हैं। ये है एंट्रेंस गेट, सब कुछ मुझे यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर, फ्रंट राइट लेफ्ट अप डाउन डन है। यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल है, यस कुछ भी नहीं है इधर, इस वाले कैमरा से भी सब कुछ। भाई अभी तो सब कुछ ही नॉर्मल होगा, भाग गया वो डर के मारे, आ जा भाई इतनी टेंशन क्या ले रहा, नहीं मारेंगे भाई। मुझे तो लग रहा है बेचारा भूत स्विमिंग करने आया था, खाली पीली हम लोग उसे पकड़ने लग गए और वो मुझे तो लग रहा बहुत तेज डर के भागा नहीं है भाई। ये देखो मैं सोच ही रहा था भाई कुछ कर नहीं रहा है, बट यहाँ पे उसका किसी का तो फेस पड़ा है, बट जो भी है हमें एक और चीज मिल गई। लास्ट टाइम भी उसने इसी रूम में कुछ हरकत करी थी, वापस से उसने इस रूम में कुछ करा है, किसी का सर ला के रख दिया वहां पे। ओके ठीक है, तीन हमने एनोमलीज ढूंढ ली है भाई। अभी ना भूत थोड़ी थोड़ी फास्ट फास्ट मूवमेंट कर रहा है, जो कि हमें फटाफट से नोट। पूल साइड पे उसने अभी तक कुछ भी नहीं करा भाई, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, पूल के अंदर भी नहीं करा, एंट्रेंस गेट एकदम नॉर्मल है, पहले जैसा ही दिख रहा है। नेक्स्ट, चेंजिंग रूम भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है, शार रूम भी एकदम नॉर्मल है, आउटडोर एरिया भी एकदम नॉर्मल है, और ये जो स्विमिंग पूल है
ये भी एकदम नॉर्मल है। भाई देखो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट हुई है जो कि मैं नोटिस नहीं कर पाया हूँ। बट यार चप्पल उल्टी पड़ी थी क्या? मेरे को पता नहीं क्यों डाउट हुआ अचानक से कि शायद से चप्पल उल्टी नहीं पड़ी थी, या फिर हो सकता पड़ी भी हो। पड़ी थी ये, इसके ऊपर सामान इतना सारा था। यस पहले से था। सब कुछ ही नॉर्मल है यार, फिर तो मेरे को कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा। गाइस तुम लोग को दिख रहा है क्या इधर कोई एक्टिविटी हो रही हो? मतलब हो सकता है भूत जो है वो बहुत ज्यादा ही चंट है। या वेट, ये देखो भाई स्टॉपवॉच का टाइम चेंज हुआ। ऊपर अटेंशन आ रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारी एनोमलीज हो रही है। लो भाई स्टॉपवॉच का टाइम चेंज हुआ और हमने ढूंढ लिया। हमें इसी टाइप से और भी ढूंढनी है भाई एक्टिविटीज, ढूंढते रहनी है बस कंटिन्यूअसली। तो पूल के बाहर सब कुछ नॉर्मल है, ये पूल पे भी सब कुछ नॉर्मल है अभी तक तो, पूल के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है वेट करते हैं। और भाई 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 एक तो जो बेल बजती है ना अचानक से डरा देती है। ड्रेसिंग रूम सॉर्टेड, शावर सॉर्टेड, पूल साइड सॉर्टेड है। तो पूल के आसपास कोई भी नहीं है अभी, मैंने एकदम अच्छे से नोटिस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अंडर वाटर, यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। सौना में भी कोई नहीं है। एंट्रेंस तो शुरू से ही एकदम क्लियर था, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एंट्रेंस में यहाँ पे स्लीपर्स थी क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि स्लीपर्स गिरी नहीं हुई थी, शायद से गिरी हुई थी। वहम वहम होता है भाई बहुत। ड्रेसिंग रूम एकदम भाई, ड्रेसिंग रूम में तो मुझे लगता ही नहीं है कि भूत एक सेकंड के लिए भी आया है, ये तब से वैसा का वैसा ही दिख रहा है। शार एरिया भी एग्जैक्ट वैसा ही है, इधर कुछ नहीं हुआ। एंड पूल साइड भी एकदम नॉर्मल है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फील है कि अभी जो घोस्ट है वो यहीं कहीं पे आने वाला है इन बाकी एरियाज में, जहां पर अभी तक वो एक बार भी नहीं आया। अरे अरे ओके हो गया यार, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार ही एनोमलीज ढूंढ पाए इस बार भी। कोई बात नहीं, ऑल राइट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक यूनिवर्सिटी में जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे ऑडिटोरियम, लेबोरेटरी, कोर्टयार्ड, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे हमें भूत को ढूंढना है। तो एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एकदम क्लियर है। पीछे तीन पेंटिंग्स लगे हैं, नीचे कुछ अवार्ड्स रखे हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंप्यूटर वाले एरिया में होंगे। कंप्यूटर दोनों चालू हो रखे हैं, पीछे तीन चेयर रखी हुई है और सब कुछ एकदम सही है। नेक्स्ट ओके ये है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में एक डिस्प्ले चल रहा है, ब्लैक ग्रीन बोर्ड है, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, बाकी एकदम नॉर्मल है। ठीक है नेक्स्ट ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी एकदम भाई, इतनी सारी चीजें कितनी नोटिस कर लूं, बट हाँ इतना मैंने नोटिस कर लिया है कि 8 टेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट आउटडोर आ गए हम लोग, कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड का दरवाजा ओपन है और यहाँ पे एक स्टैचू है, और पीछे टाइम भी हमें दिख रहा है जो कि एकदम करेक्ट ही चल रहा है। तो ये है क्लासरूम में भाई, स्केलेटन क्या कर रहा है भाई क्लासरूम में? मेरे सबसे ये गलत है भाई, यहाँ नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, बायो लैब थोड़ी है ये। अरे अच्छा नहीं, स्टडी चल रही है ना उस पर, देखो कंप्यूटर में रिप्स के बारे में ही कुछ तो पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ठीक है प्रैक्टिकली सही है यहाँ पर ही होना। भाई मुझे एक बार के लिए डर लग गया ना। एक तो यार ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे लैब है, लैब में कुछ भी नहीं है। आउटडोर सब कुछ एकदम सिंपल, इनडोर भी एकदम। अरे भाई पीछे स्केलेटन नहीं था, ये स्केलेटन था, मैं मानता हूँ पीछे स्केलेटन नहीं था यार, ये कब में आया भाई? वेट हेलो भाग यहाँ से, ये नहीं था भाई, ये एक्टिविटी हुई है, तुरंत हुई है, अभी में ही हुई है। यस ओके नेक्स्ट। भाई इतना ही बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, इधर कुछ ना कुछ हर सेकंड होता है जो कि हमें बस मालूम नहीं पड़ता, और अगर एक एक चीज को फुल ध्यान रख के चले ना हमें पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। ओके ऑडिटोरियम एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। आउटडोर भी एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसा लग रहा है कि गाइस आपको कोई तो मूवमेंट हुई है जो हमें नोटिस नहीं हुई, बट हो चुकी है वो। मुझे याद देखो इस वाले फ्लोर पे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल ही लग रहा है। दो कंप्यूटर थे, दोनों के दोनों चालू है, पीछे तीन पेंटिंग्स थी और लेफ्ट में तीन चेयर थी, और इस कैबिनेट में थोड़े बहुत मेडल्स रखे थे, ट्रॉफीज रखी थी। बाकी ये है ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम में भी ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिसे मैं नोटिस कर सकूं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी यार कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे भाई बहुत हार्ड हो गया गेम अभी। वेट ये देखो, इस रूम में सब कुछ नॉर्मल है, बट इस रूम में लाइट अपने आप ही ब्लिंक हो रही है भाई, कम ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर घोस्ट के चांसेस हैं क्योंकि लाइट दिक्कत दे रही है लाइब्रेरी में, लैब में। लेट्स गो, हमने रिपोर्ट कर दिया और इसी के साथ अपनी हो जाएगी 2 एनोमली। नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस यूनिवर्सिटी में जो घोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा चंट है भाई, बिल्कुल ही गायब हो रखा है यार। ऐसा नहीं लग रहा कि जो यूनिवर्सिटी का दरवाजा है पहले से थोड़ा ज्यादा खुल गया है? पता नहीं, वहम भी हो सकता है यार। ओके वहम ही था। एक तो जब भी मैं इस स्केलेटन को देखता हूँ मुझे लगता है यहाँ कुछ हुआ, बट एक्चुअल में नहीं हुआ। लैब में तो खैर अरे भाई लैब में पीछे देखो, पीछे ये क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी ऐसा लग रहा है किसी की कटी हुई बॉडी रखी है। ये जो भी भूत है ना थोड़ा सा तो खतरनाक है बाकी भूतों से अभी तक जितने देखे हैं। ठीक है भाई इसे पकड़ ले, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली कोने कोने में छुप के कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहा है। बट ठीक है, इसकी तीन हमने एक्टिविटीज जो है नोटिस कर ली है, और मेरे हिसाब से अब ना ये और भी बहुत ज्यादा हरकतें करने वाला है जो कि मैं फटाफट से नोटिस कर रही हूँ। अरे भाई भाई भाई
यहाँ पे तो एक जार अपने यहाँ पे कूदा पड़ा है। ये एक्टिविटी तो पूरी दुनिया को दिखेगी भाई। हेलो, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जो हो रहा है लैब में ही हो रहा है भाई। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, भूत जो ऐसे लैब में घूम रहा है अच्छे से। पहले यहाँ पर कुछ और दिखा, फिर पीछे उसने किसी की बॉडी काट के रख दी और अभी ये जार हिल रहा था भाई। इस लैब में ही है वो, कहीं पर इधर उधर ही घूम रहा है, बट सबसे ज्यादा एक्टिविटी उस लैब में ही हो रही है। बट क्या पता वो भूत की स्ट्रेटेजी हो कि हमें पूरा लैब पे फोकस करवा के वो बाकी लाइब्रेरी वगैरह में घुस जाए। बाकी अपने पास टाइम बहुत कम है और मुझे उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी को नोटिस करना होगा। मुझे तो खैर अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इधर, सब कुछ एकदम पहले ऐसा नॉर्मल है। ये आउटडोर में तो भाई वो एक बार भी आया ही नहीं इधर, जो पहले से था वही एज इट इज अभी भी है। यहाँ पे भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। ओह वेट, कुछ नॉर्मल नहीं है। टीवी की स्क्रीन में पहले रिप्स आ रही थी, अभी कुछ और आ रहा है। चेंज। भाई ऐसे कैसे, इतना तो नोटिस कर ही लूंगा ना भाई। इस बार ही हमने बहुत सारी एक्टिविटी को ढूंढा भाई, बहुत हद से ज्यादा। मैं वापस से लैब में आ चुका हूँ क्योंकि भूत सबसे ज्यादा हरकतें लैब में कर रहा है। फिलहाल अभी कुछ नहीं करा, बट यहाँ पर वो बहुत सारी हरकतें कर चुका है। खैर अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। पेंटिंग्स पीछे की ठीक है, चेयर ठीक है, यहाँ पे एक टेबल ठीक है, डन है, इधर हो गया। नेक्स्ट, ऑडिटोरियम का ग्रीन बोर्ड ठीक है, पीछे का डिस्प्ले ठीक है, बाकी सब सॉर्टेड है, बीच का सामान। नेक्स्ट, लाइब्रेरी। मुझे ऐसा फील है कि अभी वो लाइब्रेरी में आके कुछ ना कुछ तो करे, कुछ करेगा नहीं, कुछ कर ही रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि पीछे में से भूकंप आ रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ तो ग्लिच है, जो भी है मेरे को ऐसा लग रहा है। चीज थोड़ी शेकी हो रही है, कुछ तो हो रहा है यार इधर, कुछ हो रहा है, डिस्टोर्शन ही कहेंगे ना ऐसे लाइब्रेरी में भाई। वो चीज हिल रही है भाई पूरी, यस पूरी चीज हिल रही थी वहां पे, ऐसा लग रहा था अर्थक्वेक आ रहा है। नेक्स्ट, अभी ना मैं इस भूत को बहुत अच्छे से ढूंढने वाला हूँ, मैंने इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज नोटिस कर ली है। अभी ये ज्यादा देर तक हमसे छुपा तो नहीं रह सकता, इसको मैं ढूंढ निकालूंगा। बस बेटा एक दो हरकतें और कर दे, ऐसी पकड़ लूंगा इसको तो मैं। आउटडोर तो भूत अभी तक एक बार, लैब में हमेशा वो मेरे को मिलता है, बट अभी तो लैब में नहीं है, लॉबी में भी नहीं है। आउटडोर एक बार चल के देखते हैं। अरे अरे दो बज गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आउटडोर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। इधर स्टैचू भी सब कुछ ठीक है, गेट भी ओपन था, ओपन ही है, सब कुछ नॉर्मल है यार बाहर तो। भाई यहाँ तो हमें कंप्लेंट आ रही है कि इस एरिया से बहुत सारी रीडिंग आ रही है, यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज हो रही है बट हमें नोटिस नहीं हो रही। भाई क्या एक्टिविटी किधर हो रही है, मुझे तो कोई समझाओ यार। स्टैचू में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? एनोमलीज हैव टेकन ओवर भाई, बट जो भी हो इस बार ही हमने बहुत सारी एनोमलीज, टोटल छह ढूंढी है। पर हाँ, भूत को हम लोग एक ही दो बार देख पाए और वो भी शायद से ना उसके निशान थे, कभी उसका फेस आ रहा था, कभी स्केलेटन आ रहा था, पर एक बार भी हम लोग भूत को नहीं पकड़ पाए। मतलब प्रॉपर एक्चुअल जो आत्मा होती है ना, सोल नहीं देख पाए, जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। हाँ डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के घोस्ट होते हैं, बट हाँ जो भी है, आज भी हमने काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस करा। तो चलो गाइस, आज के साल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ऑब्जर्वेशन ड्यूटी का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। वैसे हाँ, एक चीज आप लोगों से पूछनी थी कमेंट्स में, तो देखो ये गेम है ऑब्जर्वेशन ड्यूटी 6, तो इसके बाकी 5 पार्ट और है जिसके अंदर बहुत सारे मिशन है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज हम लोग एकदम सोल तक नहीं पहुंच पाए उस घोस्ट की, वो डिपेंड करता है घोस्ट किस टाइप के होते हैं। तो बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत सारे मिशन है, तो आप लोग कॉमेंट्स में बता सकते हो मुझे नेक्स्ट कौन से खेलने चाहिए। बाकी हाँ कॉमेंट कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप के अलग अलग गेम्स के गेम प्ले वीडियो हमेशा आने वाले चैनल पे। जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।